8 अगस्त का टेस्ट जो हुआ है, ठीक है, ये रहा 8 अगस्त, ठीक है, टेस्ट नंबर 9 है फुल सिलेबस का, मेरा रैंक है इतना, टोटल स्टूडेंट हैं इतने, मेरे मार्क्स हैं इतने, ठीक है, और इनकरेक्ट कुछ कुछ सिली मिस्टेक्स हैं बहुत, मतलब, और देखेंगे उसको। और ये है सेक्शन वाइज मार्क्स, मेरा फिजिक्स बहुत गंदा गया इस बार, इतना कम तो नहीं आता था जनरली, 100 से पार ही चला जाता था या 96 से 80-90 ऐसा भी आता था, लेकिन इस बार इतना ज़्यादा गलत की हूँ मैं, वो देखेंगे फिजिक्स के सेक्शन में कितना क्या गलत हुआ है, ठीक है। और मेरे को लेंदी लगता है बहुत ज़्यादा फिजिक्स का पेपर टेस्ट यहाँ का, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट तो है लेकिन लेंदी लेंदी क्वेश्चन रहते हैं, उतना लेंदी नहीं आता है नीट में, पर फिर भी क्या कर सकते हैं, मुझे करने ही पड़ते हैं यहाँ का, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, मतलब 8वां नंबर का हुआ है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेंड बाई अ वाइटल स्टेन लाइक जेनस ग्रीन, ठीक है, तो जेनस ग्रीन एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिया है, ठीक है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए लिखा हुआ है कि उसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग नहीं देख सकते, नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप डायरेक्टली, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, मैं गॉल्गी एपरेटस लगाई थी बिकॉज मेरे को लग रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मतलब मैं भूल गई थी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना है, ठीक है, नाम याद नहीं रहेगा जेनस ग्रीन तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, द फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक इन 1953, ठीक है, ये 1953 दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, जहाँ पे क्रिक लिखा हुआ है ना ट्वेल्थ के, वहाँ पे वॉटसन और क्रिक का डबल हेलिक्स दिया हुआ, वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इट शेयर नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इन, ये वाला जो पॉइंट है ना 1972 फॉर देयर इफेक्ट, मेरे ख्याल से ना इफर्ट फॉर, मेरे को लगता है ये वाला जहाँ पे वॉटसन और क्रिक का जो साइंटिस्ट और जो सामने किसी भी यूनिट के पहले जो साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, वहाँ दिया हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है, तो 1972 वहाँ से लिया गया है उसको, ठीक है। इस क्वेश्चन का पर्पस सिर्फ यही है कि वो जो दिया हुआ है वहाँ पे उसको छोड़ना नहीं है, जो भी मतलब यूनिट के पहले जितने भी साइंटिस्ट लोग का दिया हुआ है उसको एक बार ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं है। तो 1953 दिया हुआ है वहाँ पे, और उसके लिए प्राइस कब मिला था 1972 में, ठीक है, और 1953 यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, मैं बुक खोली हूँ तो मेरे को पता चल रहा है, आप लोग देखना ये पेज नंबर 70 में मिल जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे दिया हुआ है 72 वाला नोबल प्राइज़ इन 62, हाँ सॉरी, ये तो 3rd नंबर आंसर है ना, मैं 72 क्यों बोल रही हूँ, 62 ही तो दिया है, सबसे लास्ट वाले पे लिखा हुआ है, सबसे लास्ट में, ठीक है, सबसे लास्ट जो डिस्क्रिप्शन है वॉटसन एंड क्रिक का, यूनिट 5 चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें सबसे लास्ट लाइन है 1972, ठीक है, तो ये उसको पढ़ लेना है, ठीक है, आता है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है एक क्वेश्चन, ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट वाला, ठीक है, प्रोटीन के लिए आया है ना, वो वहीं से आया है, ठीक है, 11th वाला, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज आर रिलेटेड टू द आइसोबाइलेटरल, इस क्वेश्चन में मेरे को लगा कि आइसोबाइलेटरल की जगह पे डॉर्सी वेंट्रल सोच रही थी, क्यों सोच रही थी मेरे को नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आइसोबाइलेटरल दिमाग में मेरा क्लिक ही नहीं किया वहाँ पे कि ये आइसोबाइलेटरल मतलब कि डाइकॉट नहीं है, मोनोकॉट वाला है, ठीक है, मतलब ठीक है, आइसोबाइलेटरल मतलब दोनों साइड वाला, और डॉर्सी वेंट्रल का मतलब मतलब यहाँ पे आइसो की जगह मेरे को लग रहा था डॉर्सी वेंट्रल का कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए मेरे को पहला वाला तो
ठीक है, मतलब पता नहीं, मतलब सोच ही नहीं पाई, अजीब हो गया कि ठीक है आइसोबाइलेटरल देर है, पहला वाला स्टोमेटा आर प्रेजेंट बोथ सरफेस आइसो से, मेरे को दोनों साइड लगा, लेकिन मेरे को ये भी लग रहा था इसके साथ साथ कि ये वाला चीज़ किसके लिए दिया है, डॉर्सी वेंट्रल के लिए दिया है, इसीलिए सेकेंड वाला भी करेक्ट लग रहा था मेरे को। मतलब देखो कितना कन्फ्यूज़न हो गया मेरे को, जबकि ये आइसोबाइलेटरल का ही दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है, लेकिन सेकेंड वाला डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, साफ साफ लिखा है। ठीक है, जिसमें बुलीफॉर्म सेल्स बनता है, ठीक है, जो मतलब NCERT के लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, और तीसरा वाला तो मेरे को पता नहीं था, लेकिन तीसरा वाला भी क्या है, गलत है। ठीक है, इसका आंसर थर्ड वाला का क्या है, सिर्फ इसमें लिखा हुआ है सब स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट ओनली एबैक्सियल एपिडर्मिस लिखा हुआ है ना, तो इसमें दोनों साइड होता है, एडैक्सियल और एबैक्सियल दोनों साइड, ऐसा एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद 39 DNA replication is correctly described as, तो देखो मेरा दिमाग बिल्कुल भी क्लिक नहीं किया, सच बता रही हूँ। सेमी कंजर्वेटिव तो सही लगाई हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, सेमी कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है, सेमी डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, मतलब मैं लगाई थी कंटिन्यूअस, मेरे को कंटिन्यूअस ही लगा, मेरे को लीडिंग लैगिंग वाला चीज़ याद ही नहीं आया। ठीक है, तो एक तो लीडिंग होता है, एक तो लैगिंग होता है स्ट्रैंड। ठीक है, लीडिंग वाले में बनता है, लैगिंग वाले स्ट्रैंड में क्या होता है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनता है, तो इसीलिए सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी इसलिए क्योंकि आधा पार्ट वाला ही क्या हो रहा है, सेमी डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, आधा पार्ट ही डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है, इसलिए फोर्थ जाएगा। देखो और परसेंटेज देखो, 44% लोग बस सही किए हैं, बाकी सब कन्फ्यूज़ हो गए हैं। ठीक है, सेकेंड वाले लोग डिसकंटिन्यूअस इतना तो लगा लिए, लेकिन सेमी नहीं सोच पाए, एक लीडिंग एक लैगिंग नहीं सोच पाए, तो ये याद रखना। उसके बाद देखते हैं 45 है ना, नहीं 35, देखो 35 तक तो मैंने क्या किया था, 35 तक बॉटनी था है ना, 35 मैंने अटेम्प्ट किया था, 35 पूरा, फिर उसके बाद मैंने ये 100 शुरू से लेके 36 से लेके 45 तक कर दिया, फिर ये चौथा 5 छोड़ना था तो मैं छोड़ दी हूँ सारा। ठीक है, लेकिन मेरा 39 वाला गलत हो गया। ठीक है, तो ये 39 वाला तो देख लिए, अब इसके बाद देखते हैं जो कि 5 क्वेश्चन छोड़ना था, ये बहुत इजी था, मेरा 39 ज़बरदस्ती गलत हो गया। ठीक है, मेरे को लगा वो सही है, लेकिन मेरे को ये सब ऑप्शन भी देख लेना था एक बार। ठीक है, तो 46 में देखो, ह्यूमन मेल आर मेल हेट्रोगेमी, तो ए का पहला होना चाहिए, ए का पहला सिर्फ पहले में दिया है, तो मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, बाकी वैसे भी सब कुछ याद रखना है, वैसे अभी के लिए तो रिवाइज़ कर रहे हैं मान के चलो, तो सब कुछ देख लेते हैं, तो मतलब एनालिसिस कर रहे हैं तो सब कुछ देख लेते हैं, एक बार रिवाइज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब फीमेल हेन वाला, फीमेल हेन मतलब कि बर्ड्स वगैरह या फिर हेन। ठीक है, तो ZW क्या है, फीमेल हेट्रोगेमी, एकदम सही लिखा हुआ है, तो फीमेल हेट्रोगेमी बी का सेकेंड होना चाहिए, ए का पहला, अच्छा ए का पहला एंड तीसरा दोनों है, ओके ओके, ए का पहला मतलब ए का मेल हेट्रोगेमी पहला और तीसरा, हाँ दोनों है। ठीक है, मेल ड्रोसोफिला में भी क्या होता है, XY ही होता है, तो ये दोनों चीज़ हम लोग को क्या करना है, याद रखना है हमेशा, जब ड्रोसोफिला आएगा तो किसको याद करोगे, मॉर्गन को याद करोगे, और क्या याद करोगे, क्रोमोसोम के नाम पे XY दोनों में होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, हमेशा रिवाइज करना इस चीज़ को। उसके बाद मेल डोसोफिला, हाँ पहला और तीसरा हो गया ए का, अब बी वाला देखते हैं, बी क्या है, बी है फीमेल हेट्रोगेमी, कौन कौन से में दिख रहा है, सेकेंड वाले में दिख रहा है। ठीक है, सिर्फ सेकेंड में ही दिखेगा। ठीक है, तो बी का सेकेंड ही होगा सिर्फ, अच्छा ए का फोर्थ भी है, ए का फोर्थ वाले में क्या दिया है, हाँ फोर्थ भी दिख रहा है, अच्छा मेल ग्रासोफर, तो तीन चीज़ याद करना यार, देखो मेरे को भी याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मेल हेट्रोगेमी में तीन चीज़ें याद करना, क्या क्या याद करोगे,
एक तो मेल ड्रोसोफिला और ह्यूमन मेल का तो सेम ही होता है, लेकिन हेट्रोगेमी के नाम पे क्या करोगे कि एक्सो भी तो हेट्रोगेमी है, तो इसको भी याद रखना साथ में, तीनों चीज़ को रिवाइज़ करना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मान सकते हो कि याद करने के लिए, रिवाइज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखना बी का क्या होगा, बी का तो सिर्फ सेकेंड होगा, ठीक है। सी का क्या होगा, सी क्या है यहाँ पे, मेल होमोगेमी, मेल होमोगेमी किस में दिख रहा है, सिर्फ फिफ्थ में दिख रहा है, ठीक है। तो ए वाला जो है ना, ए ऑप्शन मेल हेट्रोगेमी, उसमें तीन चीज़ रिवाइज़ करना हमेशा, और बी वाले में हमेशा बर्ड्स वाला याद मतलब होगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें देखो, इसमें डायरेक्टली पूछे कि कौन कौन सा क्या होगा, तो सबसे पहला जो दिया हुआ है वो क्या होगा, इसमें तो क्या कॉनिफेरस पूछा है, कॉनिफेरस कौन सा है, पांचवा नंबर वाला है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्टली, पांचवा नंबर, पहले में तो पांचवा ही दिया है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, कर लिए, ठीक है। और आर्कटिक कौन सा है, छठवा वाला, ठीक है। और अल्पाइन कौन सा है, अल्पाइन टुंड्रा एंड, अच्छा आर्कटिक एंड अल्पाइन तो ही वाला हो गया छठ वाला। फिर ट्रॉपिकल वाला कौन सा है, तो ये थर्ड वाला है, ठीक है। फिर अगर बोलेगा कि पहला क्या है, तो पहला क्या है, टुंड्रा है ना, नहीं टुंड्रा का है बोल रही हूँ मैं, डिजर्ट है पहला वाला, डिजर्ट, दूसरा वाला ग्रासलैंड, और तीसरा वाला तो ट्रॉपिकल, चौथा वाला टेम्परेट। ट्रॉपिकल के जस्ट ग्रीन ग्रीन जो है वो टेम्परेट, टी टी याद रखना, ट्रॉपिकल फिर टेम्परेट, ठीक है। और पांचवा वाला तो देख ली कोनीफेरस, और छठा वाला क्या है, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, ठीक है। तो ये ठीक है, ये सारा एक बार रिवाइज हो गया, कौन कौन सा क्या है ये रिवाइज करना ज़रूरी था, ठीक है। अब देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि क्योंकि देखो, जब एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो ये किसका है, ये है मार्श मीडो का, ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन में बोला है, एंड ये जो डायग्राम दिया है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर एंड इज प्रोसीडिंग बाई, मतलब इसके आगे और क्या आएगा, इसके आगे कौन स्क्रब आता है, स्क्रब के बाद तो फिर वही, मतलब स्क्रब ही तो मेन बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस सक्सेशन में हम लोग को देखो, इसको कैसे याद रखोगे कि रीड स्वैम्प भी तो हो सकता है ना, रीड स्वैम्प इसके जस्ट पहले वाला है, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाला रीड स्वैम्प है, तो इसके जस्ट वाला मार्श मीडो, मतलब फोर्थ वाले ऑप्शन में भी कई लोग कन्फ्यूज ही होंगे, इसमें अभी परसेंटेज नहीं दिखा रहे, ठीक है। तो इसमें कैसे याद रखोगे कि देखो, मार्श मीडो इसलिए होगा क्योंकि इसका लेवल देखो, जहाँ से ये जो वो बना हुआ है ना, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मतलब ब्रिज टाइप जैसे भी बना हुआ है ना, उसके लेवल को देखोगे ना जहाँ से, ठीक है, तो उसके लेवल से ना कंपेयर करो, तो जितने भी प्लांट हैं वो बड़े बड़े दिख रहे हैं, उस लेवल से ज़्यादा बड़े हैं, उस लेवल से बड़े दिख रहे हैं, इसका मतलब कि मार्श मीडो के, मार्श मीडो नहीं है, मार्श मीडो में उससे भी छोटा रहता है या उसके इक्वल लेवल पे आता है प्लांट, ठीक है। तो अब सक्सेशन हो रहा है, तो बड़े होते जाएंगे, तो मार्श मीडो के बाद वाला लेवल है जब पौधे बड़े हो जाते हैं, तो उसको मतलब कि सॉरी, रीड स्वैम्प के बाद वाला, रीड स्वैम्प वाला कौन सा होगा, रीड स्वैम्प इससे पहले वाला होगा जिसमें सिर्फ एक सेम लेवल तक का ग्रोथ हुए रहेगा, ठीक है। उसके बाद लेवल क्या होगा कि बड़े बड़े प्लांट होंगे, तो रीड स्वैम्प के बाद मार्श मीडो होगा, ठीक है। और ये वाला जो डायग्राम है वो बड़े बड़े हैं, तो मार्श मीडो आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद सब्सीडिंग, उसके बाद कौन सा आएगा, स्क्रब आएगा जिसमें बड़े बड़े प्लांट हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मतलब समझने के लिए, ठीक है। मेरे को तो आज तक याद नहीं हुआ था, लेकिन आज याद हो गया ये चीज़, ये इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो देखो, ये कितना इजी क्वेश्चन था, और मैं एक 39 वाला गलत करती सेक्शन बी से, ठीक है। तो हिमगिरी डायरेक्ट पता है बी, ठीक है। अब इसमें माइक्रोट्यूबुल अटैच टू कैरेटोकोरप सिस्टर क्रोमेटिड ड्यूरिंग, देखो ये लाइन मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था, ठीक है। मतलब दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को बना सकते थे कि यार क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम अलाइन होता है मियोसिस टू के, मतलब मेटाफेज में, मियोसिस तो छोड़ो किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो मेटाफेज में ही क्या होता है, क्रोमोसोम अलाइन होता है, अलाइन होने के बाद ही क्या होगा, जो माइक्रोट्यूबुल्स हैं वो उससे अटैच होंगे काइनेटोकोर से। तो कॉमन सा बात था कि क्या बोलते हैं, मेटाफेज टू ही होगा, लेकिन देखो कितने लोग कंफ्यूज हो गए, 27 लोग कंफ्यूज हो गए, मतलब 50-60 लोग ही सही किए हैं इस आंसर को, ठीक है। लेकिन इस ये वाला जब पढ़ोगे ना मेटाफेज टू में, तो उसमें डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है, ठीक है। अलाइन वाला पहले दिया हुआ, फिर उसके बाद यही वाला लाइन दिया हुआ है, तो ठीक है, मतलब दिमाग लगा के बना सकते थे इस चीज़ को, ठीक है। ये मेरे को कभी याद नहीं होता,
कभी याद नहीं होता, लेकिन मैं आज बताऊंगी इसको कैसे याद करना है, ठीक है? मतलब ठीक है, इस क्वेश्चन से मैं सीख गई हूँ, मेरे को याद हो जाएगा अब। देखो देखो क्या बोला है, कॉन्ट्रिक थीज के बारे में बताना है, मतलब बोनी फिश के बारे में बताना है, ठीक है? बोनी फिश को हम लोग खाते हैं, ठीक है? मतलब नॉन वेजिटेरियन लोग नहीं खाते हैं माना के, लेकिन नॉन वेजिटेरियन लोग तो खाते हैं ना, तो खाते हैं। तो उसमें देखना है ना, उसमें देखना कि ओपरकुलम होता है, ठीक है? उस गिल का जो कवर रहता है ना, उसमें होता है, दिखता है यार, खुद दिखता है भाई, है ना? कभी भी देखे होंगे घर, जो नॉन वेजिटेरियन हम लोग तो देखे होंगे, और वेजिटेरियन नहीं देखे होंगे तो एक बार सर्च कर लेना, ठीक है? ठीक है, उसके बाद क्या है, वीवी पैरिटी, मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, ठीक है, एनिमेशन वाला, ठीक है? तो हालांकि वो मतलब चोरी किया वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम आना चाहिए, है ना? तो उसके बाद वो ओपरकुलम वाला क्या है, देखो हम लोग खाते हैं तो ओपरकुलम दिखता है, ठीक है? और जो क्या बोलते हैं, एयर ब्लेडर भी रहता है, ठीक है? एयर ब्लेडर तो हम लोग को दिखेगा नहीं क्योंकि वो इंटरनल है, ठीक है? लेकिन एयर ब्लेडर चीज़ को याद रखना, क्योंकि इन लोगों को ना एयर ब्लेडर होता है, इसलिए इन लोगों को कॉन्स्टेंटली तैरना नहीं पड़ता है। तो पहला और दूसरा, ओपरकुलम भी होता है, एयर ब्लेडर भी होता है, मतलब कि पहला और दूसरा होता है, ठीक है? और वीवी पैरिटी लिया है, लिखा हुआ है, वो गलत है यार। हम लोग खाते हैं ना, तो कभी देखना जब क्या बोलते हैं, फिश फिश फ्राई होता है ना घर में, तो उसमें एग होता है भाई, एग होता है, एग होता है, एग होता है, इसका मतलब ओवी पैरस है, समझ में आया? ठीक है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ओवी पैरस है, लेकिन क्या बोलते हैं, ओवी पैरस है लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछ ही नहीं रहे ना, जैसे बर्ड्स में क्या होते हैं, बर्ड्स में क्या बोलते हैं, जैसे हैन वगैरह है, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही पूछ रहा है, ओवी पैरिटी और वीवी पैरिटी पूछ रहा है, तो ओवी पैरिटी होगा। मतलब एक याद करने का तरीका है यार, जो हम लोग खाते हैं उसको देख के याद कर सकते हैं भाई, कि ओपरकुलम होता है, एग होता है, तो ओवी पैरस होगा, ठीक है? ये चीज़ मेरे को कभी याद नहीं होता, लेकिन आज याद हुआ 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 हुआ, मैं ऐसे याद करूँगी तो याद रहेगा। अब है, हाउ मैनी ऑफ द करेक्टर गिवन बिलो आर ट्रू फॉर इकानोडम। देखो इस क्वेश्चन में ना, मैं बता रही हूँ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, जनरली जो एनसीईआरटी पढ़ा है, ठीक है, जिसको याद है वो लाइन, ठीक है? बाकी पहले और छठवें, पहले में भी किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? छठवें वाले में दिक्कत हो सकता है, लेकिन मेरे को पहले वाले में दिक्कत हो गया, पता है? छठ वाला तो मेरे को पहले पता था कि छः का छः तो सही हो नहीं सकता, ठीक है? तो मेरे को पहला भी गलत लगा और छठवा भी, तो मैं दो को एलिमिनेट करके चौथा आंसर लगाई थी, ठीक है? लेकिन इसमें देखो, पहला वाला जो है ना वो सही है भाई, मैं कैलकेरियस में कन्फ्यूज हो गई, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं काइटेनियस कहीं पढ़ी थी, मैं एग्जोस्केलेटन ऑफ काइटेनियस में शायद ना कॉकरोच में पढ़ी थी, और आगे कन्फ्यूज़ हो गई कि इसमें ये कहाँ, इकाइनोडर्म के में कन्फ्यूज़ हो गई, जबकि ना इकाइनोडर्म में काइटिन के बारे में कहीं नहीं लिखा है, लिखेगा भी क्यों यार, यहाँ थोड़ी ना कुछ होगा काइटिन का, ठीक है? तो सोचो मैं कॉकरोच का पढ़ के कन्फ्यूज़ यहाँ हो गई, ऐसा होता है, ठीक है? तो ये हो गया, अब ये हो गया, अब हाँ ये वाला सिक्स्थ वाला, ठीक है? ये सब तो मतलब जनरली ही है, ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन इंटरनल नहीं होगा, इंटरनल नहीं होगा, उसको याद करने का मैं तरीका ये बता रही हूँ कि देखो मैरीन फिशेज जो भी होते हैं ना, जो भी पानी में है ना, जनरली देखोगे ना कि वो अपना क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है भाई, एग रिलीज कर रहा है, स्पर्म रिलीज कर रहा है, और फिर वाटर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, मीडियम है ना, मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, तो और ये क्या वो होते हैं, मराइन ही होते हैं, तो ऐसे याद रखोगे, ठीक है? ऐसे याद रखना, तो ये हो गया। और डायरेक्ट डेवलपमेंट तो गलत है, डायरेक्ट डेवलपमेंट भी गलत है, क्योंकि फ्री स्विमिंग लार्वा लिखा है, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है? तो दोनों चीज़ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अभी ये वाला, ये देखो मैं ना वीडियो भी डाली हूँ एक दो, ठीक है, मतलब एक डाली हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को इसमें ना याद नहीं हुआ, मेरे को इसमें बहुत दिक्कत है, इसीलिए मैं वीडियो डाली हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक याद नहीं है, ओहो मेरा क्या होगा। चलो फिर भी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स इन फोर्स
इंस्पिरेशन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन वुड बी अबाउट, ठीक है, तो ये पूरा लाइन जो है ना, मैक्सिमम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट, मतलब कि एक जोर से अंदर सांस लिया, फिर अब मैक्सिमम कितना बाहर भी निकाला, ठीक है, मैक्सिमम एक तो अंदर ले लिया और बाहर कितना लिया, उसको वाइटल बोलते हैं। वाइटल वाइटल मतलब भाई तुम्हारा जितना भी इच्छा शक्ति है अंदर लेने का और जितना इच्छा शक्ति है बाहर निकालने का, दोनों काम करो बोलता है, ठीक है, तो वो वाइटल कैपेसिटी हो गया। ऐसे याद रखना इस चीज़ को, ठीक है, मैं भी याद रखूँगी। तो ये हो जाएगा थर्ड वाला, ठीक है, मतलब कि 45, क्योंकि इसमें क्या पहला दूसरा और तीसरा तीनों इंक्लूड होता है, IRV, ERV, ठीक है, तो 45 आ जाएगा। मैं क्या सोची इसमें, मैं सोची कि FRC होगा, मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब कि जो लेकिन इसमें तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है ना कि एयर लंग में रह जाता है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं, मैं इतना दिमाग भी नहीं लगा पाई। ओहो, अभी मेरा दिमाग काम कर रहा है, ऐसा होता है नीट में, ऐसा होगा तुम्हारे साथ, मैं बता रही हूँ, मेरे साथ भी होता है, इसीलिए सुधार लो, अपने आप को तैयार करो ताकि तुम ऐसी गलती ना करो, ठीक है। तो ये हो गया इसका FRC कर, तो 23 आएगा, ठीक है। और इस मेरे को इसीलिए मैं इसको लगाई, पता छोड़ भी सकती थी, इसलिए लगाई क्योंकि मैं ना सेम क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन नहीं, आंसर सेम 23 वाला लगाई थी, लेकिन क्वेश्चन क्या था भूल गई, वो तो FRC का दिया था ना, रेसिडुअल बचा हुआ ऐसा लिखा हुआ था, तो सेम क्वेश्चन की थी, लेकिन भाई मतलब आंसर सेम था लेकिन क्वेश्चन तो अलग था ना, तो ऐसी गलती भी मत करना, ठीक है। अब है 64, एट द बर्थ ऑफ द फीमेल चाइल्ड द फॉलिकल इन हर ओवरीज कंटेन, ठीक है, तो एट द बर्थ बोल रहा है, बर्थ मतलब प्राइमरी ओसाइट होगा और मैं कहाँ सेकेंडरी ओसाइट, मैं इतनी गंवार इंसान हूँ मतलब ठीक है भूल जाते हैं इंसान, मैं भी भूल गई, लेकिन फिर भी मैं तो वीडियो भी डाली हूँ पता है, मतलब मेरे पता है कि ये चीज़ मेरा वीक है, लेकिन मेरा ध्यान इस चीज़ में नहीं गया कि प्राइमरी ओसाइट और सेकेंडरी ओसाइट, हाँ मेरे साथ बुरा हुआ। तो इसका क्या हो जाएगा, प्राइमरी ओसाइट होगा, दैट कैन बी अरेस्टेड एज प्रोफेज, मेरे को इसलिए लगा ना क्योंकि ना मैं सेकेंडरी ओसाइट वाला मैं पढ़ी थी कि मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, ठीक है, लेकिन भाई इसमें सेकेंडरी ओसाइट के बारे में नहीं पूछ रहा है, दो दो जगह अरेस्टेड होता है, एक जगह यहाँ पे, एक जगह यहाँ पे भी अरेस्टेड होता है, ठीक है। सेकेंडरी ओसाइट वाला कब अरेस्टेड होता है और कब कंप्लीट होता है, जब स्पर्म आएगा तब ये कंप्लीट होगा, ठीक है, ये तो सेकेंड केस है, लेकिन इसमें बोल रहे हैं कि फीमेल चाइल्ड जब बर्थ होता है तब कब पूछ रहा है, तब तो प्राइमरी ओसाइट ही रहेगा ना, है ना। हैज़ बीन अरेस्टेड एज द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है, तो मियोसिस 1 मेरे को पता था, ठीक है, और प्रोफेज 1 की जगह मेरे को डिप्लोटीन पता था, इसीलिए मेरा दिमाग नहीं गया, और NCERT में भी शायद ये ऐसे ही कुछ लिखा है डिप्लोटीन, और प्रोफेज 1 नहीं लिखा है, इसीलिए यार मतलब अपने आप को तैयार करो, ठीक है, कि यार मियोसिस 1 ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिप्लोटीन की जगह में ना प्रोफेज 1 भी ऑप्शन दे सकते, मतलब ऐसे सोचो जब पढ़ते रहते हैं ना, कि लाइन को पढ़ते रहते हैं NCERT का, तब सोचो कि यहाँ पे अलग दूसरे चैप्टर का यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, तो इस वर्ड को चेंज करके ऐसा भी तो हो सकता है, या उसी के अंदर आता है तो इसको चेंज करके ऐसा दे देगा, तो मैं गलती नहीं करूँगी, ऐसा सोच लो वहीं पर, ठीक है, तो गलती कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, मेरे लिए तो अच्छा ही था क्योंकि मैं गलती की हूँ, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस नॉट एसोसिएटेड विद रास सिस्टम, ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का मैं बताती हूँ ये क्वेश्चन क्यों स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि यार ये मैं बना सकती थी, कसम से बना सकती थी, क्योंकि मैं पढ़ी हुई हूँ, ठीक है, लेकिन मैं क्या की पता है, मैं सोची कि यार इसको रिवाइज नहीं की हूँ, है ना, तो फिर मैं इस क्वेश्चन को नहीं बना पाऊँगी और मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दी, ठीक है। जबकि इंक्रीज इन ट्यूबुलर सिक्रीशन कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है रास सिस्टम में, कहीं नहीं सिक्रीशन के बारे में कहीं नहीं लिखा है, देख लेना खोल के, ठीक है, तो यार ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इंक्रीज इन GFR इसलिए बोल रहे हैं कि पहले तो डिक्रीज़ होता है तब स्टिमुलेट हो जाते हैं ये सब, फिर भाई जब GFR डिक्रीज़ हुए तभी तो ये स्टिमुलेट हुए हैं ना, देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि GFR डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है, जो
आयन रिसेप्टर होते हैं कुछ कुछ, ठीक है, वॉल्यूम रिसेप्टर, आयन रिसेप्टर और एक और कुछ दिया है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मैं भूल गई फिर से, ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ, ठीक है मैं अभी पढ़ के बता देती हूँ। इसका पेज नंबर देख के 279, अभी तुरंत 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 देखो यार, मैं बहुत भूलती हूँ पर फिर भी। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, एक्सक्रीशन, हाँ सबसे पहले हाँ ये हुआ, फिर हाँ यार यही भूल गई थी, देखो फिर उसके बाद क्या होते हैं, ये हाइपोथैलेमस जो रिसेप्टर होते हैं ना, कौन कौन से, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम और आयोनिक कंसंट्रेशन, ये सब का रिसेप्टर होते हैं, ये सब का रिसेप्टर होता है। मतलब जैसे ही GFR कम हुआ, इसको ऑस्मोरिसेप्टर भी बोलते हैं, GFR कम हुआ तो ये सब एक्टिवेट हो जाएंगे, ये हाइपोथैलेमस के पास जाएंगे, स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को, तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर से वैसोप्रेसिन या फिर ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन को रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, ADH वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डायूरेसिस प्रिवेंट होगा, ठीक है। अब डायूरेसिस प्रिवेंट हो गया तो फिर बॉडी फ्लूड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ एंड ऑस्मोर रिसेप्टर सप्रेस हो जाएंगे, मतलब फिर से नॉर्मल कंडीशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मतलब कि देखो एब्सॉर्ब करेगा ADH क्या वाटर, और वाटर रीअब्जॉर्प्शन करेगा तो GFR जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं तो इधर से जल्दी जल्दी इंक्रीज़ हो जाएगा ना, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या लिखा है, ब्लड बॉडी फ्लूड वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिर ADH रिलीज टू कम्प्लीट द फीडबैक, ठीक है, फिर ADH ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाई इट कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल। ये वाला लाइन को ना कभी भूलना मत, कभी भूलना मत, गलती से मत भूलना, क्योंकि ये वाला लाइन ना बहुत छुपा वाला लाइन है, इसको बहुत इग्नोर वाला लाइन है, मैं भी बहुत इग्नोर की हूँ इस लाइन को, ठीक है, लेकिन एक आध बार मेरे टेस्ट में भी आया है, ठीक है। तो ये वाला को कैन ऑल्सो लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल्सो अफेक्ट द कॉन्स्टेंट इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल, ठीक है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, ठीक है, तो ये वाला चीज़ याद रखना। अब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो BP बढ़ेगा, ठीक है, BP बढ़ेगा तो क्या होगा, BP बढ़ेगा तो ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो एंड GFR बढ़ जाएगा, ठीक है, तो GFR बढ़ गया, ठीक है, हाँ तो GFR बढ़ गया, GFR कम हुआ था तो GFR बढ़ गया था, ठीक है, GFR बढ़ गया तो सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो मतलब कि सबसे जो पहला पैराग्राफ है NCERT का, उसमें ये सब दिया हुआ है, ठीक है यार। देखो अभी मेरे पास ना ये फीचर नहीं कि मैं ना NCERT वाला सेक्शन खोल के यहीं से पढ़ूं, ताकि आप लोग भी यहाँ से देख लो। तो क्या करना, अपना NCERT खोलना, 297 पेज नंबर पुराना NCERT, वहाँ पे क्या करना, पहला पैराग्राफ को जो मैं पढ़ी हूँ तो उसको पढ़ लेना, ठीक, पढ़ लेना, ये नहीं कि मैं बता रही हूँ तो सुन लिए, ऐसा मत करना, ठीक है, वहाँ जाके खोल के पढ़ना, ठीक है। अब क्या है, अब सेकंड पैराग्राफ में दिया है कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस है, ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस वो क्या करता है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, जो GFR कम हुआ ना, फॉल इन GFR, ठीक है, पहला तो ये एल्डोस्टेरोन वाला हो गया। अब दूसरे जगह ये होता है कि जो GFR कम हुआ ना, तो JG एपरेटस जो है वो क्या एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, एक्टिवेट जो GFR है वो एक्टिवेट कर देते हैं, या बोल सकते हैं JG सेल्स को, ठीक है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलस एपरेटस है उसमें जो सेल्स होंगे, एपरेटस में जो सेल्स होंगे, जिसको कि जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स बोलते हैं, उस वो क्या करेगा, रेनिन रिलीज करेगा, ठीक है, रेनिन एक एन होता है यहाँ पे किडनी वाले में, ठीक है। तो अब ये रेनिन क्या करेगा, सीक्वेंस याद रखना भाई,
जे जी अपरेटस है, जे जी सेल्स होगा उसमें, जे एफ आर कम हुआ तो वो जे एफ आर कम होके वो एक्टिवेट करेगा जे जी सेल्स को। जे जी सेल्स क्या होता है, नेफ्रॉन, जो एफरेंट नेफ्रॉन और डी सी टी का जो क्या बोलना चाहिए, हाँ एफरेंट न्यूरॉन, क्या बोल रही हूँ, एफरेंट न्यूरॉन क्यों बोल रही हूँ मैं, एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है क्या कुछ भी बोल रही हूँ, एफरेंट आर्टेरियल सही है, ठीक है आर्टरी ही तो रहेगा ना, एफरेंट आर्टेरियल और डीसीटी के बीच में मॉडिफिकेशन होता है उसके, मतलब पास पास रहते हैं तो मॉडिफिकेशन से जे जी सेल्स बनता है, ठीक है। ये जे जी सेल्स क्या करेगा, देखो मैं इसका ना क्या बोलना चाहिए उसको, हाँ शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स होता है ना यूट्यूब पे, उसका वीडियो भी डाल चुकी हूँ, ठीक है तो उसको देख लेना, कि उसका लोकेशन डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो रिलीज़ रेनिन, तो ये क्या करेगा, जी जी सेल्स रेनिन रिलीज़ करेगा, ठीक है। ये कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिनो, विच कन्वर्ट द एंजियोटेंसिनोजेन, यहाँ पे जेन, एंजियोटेंसिनोजेन जो कहाँ से आ रहा है भाई, एंजियोटेंसिनोजेन कहाँ से आ रहा है बता दो, कोई भी बता देना, लीवर याद आ रहा है क्या, ठीक है यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिनोजेन क्या करेगा, रेनिन किसको एक्टिवेट करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में, ठीक है एंजियोटेंसिन वन में। अब वन फिर फर्दर एक्टिवेट होगा एंजियोटेंसिन टू में। अब ये टू क्या करेगा, टू का काम करता है कि कॉन्स्ट्रिक्टर होता है वैसे कॉन्स्ट्रिक्टर, तो फिर ये क्या करेगा, बीपी को बढ़ाएगा, बीपी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो ठीक है, लेकिन एनजीओ टेंसिनोजन टू है ना, वो ऑल्सो एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। अभी इसका दूसरा काम याद रखना, ठीक है, जैसे एल्डोस्टेरोन का दूसरा काम था ना, वैसे उसका दूसरा काम याद रखना इसका, ठीक है। एंजियो टेंसिनोजन टू का, एक तो वैसो कॉन्ट्रिक्टर है तो बीपी बढ़ गया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, टू वाला जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराएगा, ठीक है। देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे एडीएच था, ठीक है गलती मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, आज ही मैं वीडियो डालूँगी, ठीक है, भले वो चुराया वाला है शिक्षा है उससे, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्या बोलते हैं, हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार रिवाइज करोगे ना तो एकदम दिमाग में छप जाएगा भाई, लाइन दिखेगा, ठीक है। तो ये वैसोकॉन्ट्रिक्टर इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर, ठीक है, मतलब कि वो वाला देख लिए। अब क्या करेगा, इसका दूसरा काम देखेंगे जो टेंसिनोजन टेंसिन टू का, कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। और एड्रिनल कॉर्टेक्स मतलब एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर ग्लैंड है, तो कॉर्टेक्स और मेडुला होता है, और कॉर्टेक्स से क्या निकलता है, मिनरलो और ग्लूको, तो ये वाला क्या है, एल्डोस्टेरोन क्या है, एल्डोस्टेरोन क्या है बताओ, मिनरेलो है ना, ग्लूको क्या होता है, कॉर्टिसोल, ठीक है। तो यहाँ पे मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स जिसके अंदर क्या आता है, एल्डोस्टेरोन, वो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब करेगा एन ए प्लस एंड वाटर फ्रॉम द डी सी टी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए डी एच भी अलग जगह काम कर रहे हैं, उस किसके स्टिमुलेशन से वो देख लेना, ठीक है, वो पहला वाला जो मैं बताई हूँ। अब क्या यहाँ पे भाई एंजियोटेंसिन टू है ना, वो भी क्या कर रहा है, क्या बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट कर रहा है जहाँ से एल्डोस्टेरोन निकला, और एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा है, रीअब्जॉर्ब कर रहा है डी सी टी से, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, फिर जी एफ आर नॉर्मल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है। तो एक मिनट, रेनिन एंजियोटेंसिन में सिर्फ और सिर्फ कौन कौन आएंगे, ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ बताई हूँ ना, सिर्फ वो आएगा, ठीक है, और जो पहला वाला पैराग्राफ है वो इसमें नहीं आएगा, गलती से वाला पैराग्राफ ये वाले में मत सोच लेना, ठीक है, क्योंकि रेनिन तो यही है ना, जे जी सेल्स ऐसे रेनिन से एंजियोटेंसिन, फिर एंजियोटेंसिन वैसोकॉन्ट्रिक्टर भी करेगा, फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट भी करेगा, फिर वहाँ से वो इसको मतलब एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन जब भी आएगा तो रेनिन एंजियोटेंसिन, वो अलग है, एडीएच वाला अलग है, उसको कोई और करा रहा है भाई,
इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें कंफ्यूज कराएगा है नीट वाला, ठीक, किया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। अब क्या करेगा, इसके रेनिन एंजियोटेंसिन के अगेंस्ट क्या करेगा, जो हार्ट का जो एट्रियल वॉल है वो रिलीज करेगा एएनएफ। एएनएफ क्या है, वैसोडाइलेटर है, तो वो क्या करेगा, बीपी को डिक्रीज कर देगा। और फिर क्या होगा, ये मैकेनिज्म फिर से मतलब उसको जो वहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा तो यहाँ पे ये रिलैक्स कर देगा, मतलब ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो देखो, इंक्रीज इन जीएफआर, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरोन, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा नाम है। देखो एनसीईआरटी में ऐसा नाम कहीं नहीं लिखा है, लेकिन इसमें लिखा है रेनिन एंजियोटेंसिनोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। वाह वाह, कितना अच्छा लगा मेरे को पहली बार, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला है इंक्रीज इन जीएफआर, ठीक है। दूसरा वाला है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तीसरा वाला है इंक्रीज इन ब्लड एल्डोस्टेरोन लेवल, ठीक है। चौथा है, पहला तो इंक्रीज इन जीएफआर, जब बीपी बढ़ेगा तो जीएफआर इंक्रीज होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड है बीपी, ओ ठीक है, और इंक्रीज ब्लड एल्डोस्टेरोन लेवल, ठीक है। एल्डोस्टेरोन कब लेवल इंक्रीज होगा, जब एंजियोटेंसिन टू क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा एड्रेनल कॉर्टेक्स को, जो कि रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया। सिंपल सी बात, 11% लोग लेकिन कंफ्यूज हुए थे, कोई बात नहीं, लेकिन 75% लोग सही किए थे। भाई मैं तो कंफ्यूज हो गई थी, कोई बात नहीं, इससे मैं, इस क्वेश्चन से मैं बहुत कुछ रिवाइज कर ली। गलत होना, कोई चीज़ गलत हो रहा है तो उसको नेगेटिव में मत लेना, ठीक है। उसको रिवाइज़ करो और उससे और एक्स्ट्रा चीज़ देख लो एनसीईआरटी में, ताकि तुमको ना एकदम अच्छा लग, कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। तो अब देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें, और मैं क्या लगाई हूँ यार, मेरे को ना सच में अभी भी समझ नहीं आ रहा कि पहला वाला क्यों गलत है, ठीक है। अगर आप लोग को आ रहा है तो मेरे को बता देना, ठीक है, कॉमेंट करके, ठीक है। लेकिन मैं इसको चेक कर लूँगी, ठीक है, ज़रूर चेक करूँगी। इसका आंसर दिया सेकेंड भी सही है, वो तो मान रही हूँ, लेकिन पहला वाला क्यों गलत है। एग्जो, हार्ट अटैक आ गया मेरे को, एंडो होना चाहिए था, ये क्या हो गया। सच में मेरे साथ इतना बुरा, चलो यार ऐसा गलती मत करना प्लीज़, नहीं तो ना तुम्हारा ये जो 5 नंबर गया है ना, वो तुम्हारा 5000 रैंक पीछे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये तो मैं एकदम ना क्या बोलना चाहिए, इतना बेसिक चीज़ गलत क्यों, फीमेल एसेसरी डक्ट, पता नहीं यार मेरे को डक्ट के नाम पे लगा सिर्फ ओवी डक्ट होगा आंसर, ठीक है। लेकिन ये तीनों दिया भी हुआ है एनसीईआरटी में और है भी, ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा सब होगा। 76 है, द ट्रांसडक्शन ऑफ साउंड वेव टू एक्शन पोटेंशियल टेक प्लेस, ठीक है। इसको देखना एनसीईआरटी में मैकेनिज्म दिया है, उसमें लिखा हुआ है यार कि क्या बोलते हैं, जो टेक्टोरल बेसिलर मेम्ब्रेन होता है ना, फिर बेसिलर मेम्ब्रेन व्हेन हेयर सेल आर बेंट अगेंस्ट द टेक्टोरल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब जो हेयर सेल्स होते हैं वो टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में जब क्या होते हैं, बेंट होते हैं, तो डिपोलराइज होता है, फिर रिलीज करते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, फिर ठीक है, तो स्टिमुलेट सेंसरी न्यूरॉन, तो सेकेंड हो जाएगा इसका, ठीक है। ये एनसीईआरटी में सब दिया है इसका, ठीक है। तो ये चांसेस बहुत कम है नीट में आने का, क्योंकि एक बार भी मैकेनिज्म वगैरह से तो नहीं आया है आज तक। फिर भी फाइंड द ऑड वन, ठीक है। मैं इसमें गलती क्या की, क्योंकि मेरे को फोर्थ वाला लग रहा था राइट, पता नहीं, क्योंकि मैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन कभी ध्यान से पढ़ी ही नहीं, समझी ही नहीं कि सिस्टेमिक वाला आखिर एग्जैक्टली किसको बोलते हैं, ठीक है। पहला सही है, समझ गई, दूसरा भी सही है, एनसीईआरटी है, तीसरा भी सही है, ठीक है, ऑटो सब कुछ दिया है। अब देखो चौथा में सिस्टेमिक हार्ट इंक्लूड, तो सिस्टेमिक हार्ट बोलते हैं जो लेफ्ट वेंट्रिकल से, मतलब लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, मतलब लेफ्ट ऑरिकल में कहाँ से आ रहा होगा, पल्मोनरी वेन से आ रहा होगा। पल्मोनरी वेन क्या है, उसमें से शुद्ध ब्लड ब्लड आ रहा है, ठीक है,
ऑक्सीजनेटेड ब्लडर है, पल्मोनरी वेन लिखा हुआ है, तो वेन पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, उसमें ऑक्सीजनेटेड आता है, ठीक है, वेन के बावजूद भी, ठीक है, तो चीज़ तो सबको पता रहता है जनरली, तो वहाँ से आ रहा है, ठीक है, वहाँ से लंग्स से आ रहा है, तो लंग्स से आ रहा है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जा रहा है, पूरे सिस्टम में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सिस्टमिक भाई, इसमें लिख दिया है राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट, कुछ भी, हमें इसको सही लगाई थी, गलत है। हम 86 है, मेजर ड्रॉबैक ऑफ इनब्रीडिंग इज, तो देखो होमोजाइगोसिटी इज नॉट अ ड्रॉबैक, गलती मत करना, 28% लोग गलती किए थे, मैं भी कंफ्यूज हुई थी पहला तीसरा में, इसलिए मैं नहीं लगाई, ठीक है। हालांकि ये उसमें है, मतलब जूलॉजी के जो 15 क्वेश्चन है उसमें काउंट हो गया 86 के बाद, पर फिर भी ठीक है। उसके बाद देखना ये हो गया, इंक्रीज इन रिडक्शन इन फर्टिलिटी आएगा आंसर। अब है 92, करेक्ट विथ रेफरेंस टू काइलोमाइक्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है सेकंड, ठीक है। देखो ये एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन नहीं है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। सेकंड है द रिकंस्ट्रक्टेड ट्राई ग्लिसराइड इन द इंटेस्टाइनल सेल्स कंबाइन विथ फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड आर रिलीज्ड टू लिम्फ इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन कोटेड फैट ड्रॉपलेट कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन। देखो मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं पढ़ी हूँ, मतलब तो ऐसा लाइन नहीं दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो दिया क्या है मैं बताती हूँ, ठीक है, उसको याद रखना, कैसे याद रखना है। तो देखो सबसे पहले याद रखना कहाँ पे दिया है, मैं बता भी देती हूँ, एक मिनट, जो लास्ट साइड में दिया है ना यार, एब्जॉर्प्शन वाले, हाँ एब्जॉर्प्शन वाला जहाँ पे दिया हुआ है ना, ठीक है, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पहले, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से होगा, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पहले क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, फिर उस किसको देगा, ब्लड या तो लिम्फ को देगा, ठीक है। तो काइलोमाइक्रॉन वाला फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या लिखा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो इनसॉल्यूबल है, तो फिर वो डायरेक्टली ब्लड में पास तो होगा नहीं, ठीक है, तो उसको फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं, जिसको कि माइसेल्स बोलते हैं, माइसेल्स जो भी बोलो, ठीक है। फिर ये इसको कौन करेगा, देखो हम लोग यहाँ पे पहले ही लाइन में एनसीईआरटी में 16.3264 पेज नंबर पुराना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्या बोलते हैं, सबसे पहले डाइजेशन जो हुआ है उसको इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा से, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड या लिम्फ में, ठीक है, तो सबसे पहले जो तोड़ रहे हैं हम लोग वो, उसको कौन लेगा, पहले इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, ठीक है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से फिर कहाँ जाएगा, वहाँ से जाएगा, हाँ यहाँ से अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में चला गया। अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में क्या होता है ना, कि जो माइसेल्स जो बना हुआ है ना वो यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाता है, या फिर रिफॉर्म, मॉडिफाइड ही बोलो, मॉडिफाइड होके क्या बनाता है, काइलोमाइक्रॉन बनाता है, जो कि एक मतलब कि उसके ऊपर क्या करते हैं, माइसेल्स के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फैट का एक लेयर चढ़ा देते हैं, ठीक है, फैट का एक लेयर चढ़ा देते हैं, और पूरे उसको स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल, मतलब एक प्रोटीन ही है, ठीक है, लेकिन फैट ग्लोब्यूल है, ठीक है, तो स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब, मतलब फैट, सॉरी फैट ग्लोब्यूल है, प्रोटीन कोटेड है, हाँ यार मैं कैसे उल्टा बोल रही हूँ, दिमाग ही नहीं है, हाँ देखो यहाँ पे गलती मत करना, देखो मैं इतना पढ़ने के बाद भी सब गलती करती हूँ, छोटा छोटा चीज़, तो स्मॉल प्रोटीन कोटेड है, मतलब उसके ऊपर प्रोटीन का
कोट किया गया है, फैट ग्लोब्यूल तो है ही यार, क्योंकि फैट ही पड़ रहे हैं तो फैट ग्लोब्यूल तो है ही, लेकिन उसके ऊपर प्रोटीन का कोट कर दिए हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। अब ये काइलोमाइक्रोन क्या करेगा, लैक्टियल जो कि लिम्फ वेसल्स है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से हम लोग पढ़े हैं या तो ब्लड में जाएगा या तो लिम्फ में जाएगा, तो यहाँ पे तो फैटी एसिड है, तो फिर पहले इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से लैक्टियल्स जो कि लिम्फ वेसल है वहाँ जाएगा, फिर उसके बाद लिम्फ वेसल से कहाँ जाएगा, ये ब्लड में जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि काइलोमाइक्रोन देख के ही ना मतलब लगता है भाई कहाँ से आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो सब लोग कंफ्यूज हो गए हैं, देखो 70% बस सही है और 30% फंस गए। अब आते हैं 95 पे। इन द ह्यूमन बॉडी CO2 इज प्राइमरली लिखा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट तो पता था यार, लेकिन सोडियम पोटेशियम में कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे मेरे जैसे लोग, ठीक है, तो मेरे जैसे लोग। हालांकि ये इसमें मतलब 5 क्वेश्चन छोड़ना था, इसलिए मेरा एक भी गलत नहीं हुआ है जूलॉजी वाले सेक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम, याद रखना यार, कन्फ्यूज मत होना मेरे जैसे लोग। अब 98 अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ना मैं डायरेक्टली बता देती हूँ आंसर, ठीक है। ऑप्शन तो मतलब टाइम लगेगा ऐसे सोचने में। तो पहला है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, मतलब दोनों का, एक का विंग्स बटरफ्लाई का विंग्स है, एक बर्ड्स का है, तो दोनों क्या है भाई, फंक्शन में सेम है, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जन, ठीक है। मिलर ने क्या किया था, CH4H2NH3 एंड वाटर वेपर, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस, ये 800 तो नीट में आ चुका है पिछले साल, ठीक है। तो फिर इसको क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब करते हैं, तो एमिनो एसिड, ठीक है, एमिनो एसिड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। फिर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ वी फॉर वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ और लिखा हुआ है एक जगह, ठीक है, रूडिमेंट्री, तो रूडिमेंट्री नहीं होता है, गलती से मत लगा देना, ठीक है, सोचना मत, रूडिमेंट्री नहीं है, वो वेस्टिजियल है, ठीक है। क्या रूडिमेंट्री और वेस्टिजियल सेम होता है क्या सच में, क्या मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, हाँ सच में कन्फ्यूज्ड हूँ, लेकिन आप लोग मेरे को बता देना, ठीक है, रूडिमेंट्री और वेस्टिजियल में क्या डिफरेंस है, ठीक है, मैं तो चेक कर ही लूँगी। अब क्या है, अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज अ डैश ऑर्गन, हाँ, तो वेस्टिजियल ऑर्गन एंड अन खालिस्तान एविडेंस, ओके, ये वाला क्या एविडेंस होता है यार, मेरे को नहीं याद आ रहा है, मेरे को सच में याद नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं दिया ना, इसमें अजीब अजीब दिया है, जो प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ गया था ऐसा टाइप का, इसलिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ठीक है। तो ये वाला तो ठीक है, ये वाला देखना, मेरे को बता देना इसको भी कमेंट करके, ठीक है, सी वाला ऑप्शन मतलब अच्छे से देख लेना। अब डी है, अकॉर्डिंग टू द डार्विन इवोल्यूशन इज ड्यू टू द ग्रेजुअल इवोल्यूशन था, और क्या स्मॉल वेरिएशन था, ठीक है, तो इसका आंसर तो डी ही है, ठीक है, इसका आंसर डी है, और एक बार ऑप्शन भी देख लो, डी आंसर है। और अकॉर्डिंग टू द डार्विन इवोल्यूशन टू प्लेस स्मॉल वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4, तो ठीक था। ये भी अकरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इन साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया ड्यू टू, यार ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को सिर्फ कितना क्वेश्चन करना था, 10, तो 10 तो सही हो गए इसमें, पर फिर भी मैं बता रही हूँ इसका कंटिनेंटल सेपरेशन ये NCERT में दिया है। मैं अभी ही ना एक क्वेश्चन की थी ना, उसमें भी मैं इसको पढ़ चुकी थी, लेकिन जब मैं इस क्वेश्चन को टेस्ट में देखी तो मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं किया, मैं सोची ये कहाँ से एंडेमिक और ये कहाँ से साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया क्या पूछ रहा है, मेरे को ऐसा लगा, जबकि मैं इस क्वेश्चन को की थी, तो टेस्ट में ऐसा ही होता है, ठीक है, इसलिए अपने आप को संभाल के रखना। तो ये देखो, ये बायोलॉजी का पूरा हो गया। अब मैं क्या करती हूँ ना, 100 क्वेश्चन है ना, तो जो जो क्वेश्चन राइट हुआ है ना उसको एक एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है, ताकि सबको आंसर तो दिख जाए, ठीक है। देखो इसका मैंने क्या किया है, एक वीडियो डाला है, ठीक है, साइकस वाला शॉर्ट वीडियो है, 1 मिनट का, शॉर्ट्स में कितना इम्पोर्टेंट था,
लेकिन पिनेटली वाला चीज़ याद रखना, ठीक है। इसमें करेक्ट पूछा है ना, तो पिनेटली वाला जो चीज़ होता है ना वो सही है, ये चीज़ याद रखना पिनेटली। मेरे खुद मैं कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन याद रख लेना। कैसे याद रखोगे, फोटो देख लेना तो गूगल सर्च करके, ठीक है। ये हो गया था ये वाला, एक्स वाई जेड पूछ रहा है, इसका आंसर है थर्ड, ठीक है। ये एनसीईआरटी है, इसका आंसर है फोर्थ, ठीक है। फोर्थ आंसर है, फॉल्स पूछा है, ठीक है। फॉल्स, इसका आंसर है थर्ड। पांचवा वाला सेट, ठीक है, इसका आंसर थर्ड। वन टू थ्री पूछा है, मतलब ABCD, ठीक है। इसका आंसर सेकेंड। ये सब तो देख लिए थे, करेक्ट बताना है, थर्ड आंसर है, ठीक है। ये फंसाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इडीमा इडीमा जहाँ भी दिखेगा ना क्वाशियोर, ठीक है। 1 2 4 याद रखना। इसका आंसर है फोर्थ, फोर्थ का मतलब फोर वाला, ठीक है। हार्मोन है, सोर्स है, फंक्शन है, इसका आंसर है पहला, ठीक है। इसका आंसर है दूसरा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाइपोथैलेमस होना चाहिए था, ठीक है। फंक्शन तो से ठीक दिए हैं,
सोर्स गलत दिया है। अब तो हो गया, अब ये तो केमिस्ट्री है ना। तो ये टोटल मेरा टेस्ट था, मेरा देखो कितना नंबर आया, कितना गलत की मैं, ठीक है 100 में। हंड्रेड क्वेश्चन में तो ये कंप्लीट हुआ टोटल, ठीक है। 1:23 हो रहा है, मैं बायोलॉजी का एनालिसिस कर ली हूँ, अब मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का कल करूँगी। मेरे को टाइम लगा, हालांकि कोई बात नहीं, टाइम लगता है, एनालिसिस अच्छे से करना है, लेकिन जब भी टेस्ट दो पर्पस यही है, ठीक है। गलती होता है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लो, बोलने भी नहीं आ रहा है मेरे को, आ रहा है ऐसे मत बोलो, ठीक है। तो कोई भी चीज़ मतलब कि अपॉर्चुनिटी की तरह लो यार, कि गलत हुआ है तो अच्छा है, उससे दो तीन चीज़ और सीख जाओ, ठीक है, अगल बगल का, आसपास का, आगे पीछे का पेज का, ताकि ना तुमको ना रिग्रेट मत हो कि मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। गलत हुआ तो सोचो कि अच्छा हुआ और मैंने इसके बदले में क्या किया, और चीज़ें रिवाइज कर लिया, जो कि मैं नीट में आएगा तो गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स के उसमें, ठीक है, एनालिसिस में। आज है 8 अगस्त, मतलब 9 हो गया अभी तो, ठीक है, 8 अगस्त 2021।